हेलो दोस्तों, मेरा नाम चंदन कुमार। मैं आप सबों के बीच वर्ड मीनिंग लेकर आया हूँ जो कि एचसी हार्विक से रिलेटेड है। बहुत सारे आप लोग बहुत से बच्चों को याद होगा, 2000 से भी ज़्यादा वर्ड आप सबों को याद होगा। मैं बता दूँ कि मैं इन्हें इस वीडियो के माध्यम से सभी को बताना चाहता हूँ और याद कराना चाहता हूँ, जब ताकि एग्ज़ाम और वोकैबुलरी को एग्ज़ाम और ऐसे भी याद कर सके, एग्ज़ाम में बहुत ही फायदा कर सके। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करें। और इससे पहले कि आप मेरे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दोबारा ना भूलें, और अपने दोस्तों को भी शेयर करें और सीखें और सिखलाएं। बिल्कुल ही जीरो लेवल से आज मैं आप सबों के बीच यह वर्ड्स लेकर आए हैं। तो स्टार्ट नाउ। पहला वर्ड है एब्यूज। एब्यूज मतलब होता है गाली देना। एब्यूज एब्यूज मतलब गाली देना। दूसरा का है एडवाइस। एडवाइस मतलब होता है सलाह। एडवाइस एडवाइस मतलब सलाह देना। एडवाइस याद करें दोस्तों, मेरे साथ बोले एडवाइस। एडवाइस मतलब सलाह। एंसर 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 मतलब उत्तर देना। एंसर एंसर मतलब उत्तर देना। ए राइस राइस मतलब होता है उठना। ए राइस मतलब उठना। जो आप सबों को पता होगा कि ए राइस मतलब उठना होता है, जो कि सुबह में उठा जाता है, उसी को हम ए राइस बोलते हैं। अराइव अराइव मतलब है पहुंचना। अराइव अराइव मतलब पहुंचना। सुबह में हम सब सूत कर उठते हैं, क्लास जाते हैं, तो वहाँ पर पहुँचते हैं, तो वो क्या होता है, अराइव। अब छठा नंबर है आस्क। आस्क मतलब पूछना। कोचिंग में जाएंगे तो सवाल पूछेंगे, तो क्या हो जाएगा, आस्क। आस्क मतलब पूछना। बी बी मतलब होना। क्या चीज़ प्रॉब्लम हो सकता है, तो यह हो गया बी। बी सातवां नंबर है बी। बी मतलब होना। आठवां आठवां नंबर है बीट। बीट मतलब है पीटना। दोस्तों आपने बचपन में भी याद किया होगा, बीट मतलब होता है पीटना। किसी को हम मारते हैं तो वो पीटना हुआ। बी कॉम। बी कॉम मतलब होता है घटित होना या होना। बी कॉम मतलब होना, खाना होना, बहुत सारा होता है, तो बी कॉम का प्रयोग करते हैं, बी कॉम। अगला 10वां नंबर है बिग। बिग मतलब भीख मांगना। दोस्तों मैं यह वर्ड को दोबारा दो बार तीन बार दोहराऊंगा और आशा करता हूँ कि आप सबों को याद होते जाएगा। तो मैं फिर से तीन बार ये तो कर रहा हूँ, उसके बाद दो बार याद करा दूँगा। बेग बेग मतलब होता है भीख मांगना। बेग बेग मतलब होता है भीख मांगना। बी इन मतलब होता है शुरुआत या आरंभ करना। शुरुआत देख लो, शुरुआत मतलब शुरू करना या आरंभ करना। बिंड बिंड मतलब बांधना। BIND बिंड मतलब बांधना। अब फिर से एक नंबर से। एक नंबर क्या था, एब्यूज। एब्यूज मतलब गाली देना। दो नंबर क्या था, एडवाइस। एडवाइस 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 मतलब होता है सलाह देना। आंसर आंसर मतलब होता है उत्तर देना। कोई चीज़, कोई प्रश्न पूछा उसका उत्तर देते हैं, तो वो हो गया आंसर। तो आंसर मतलब हो गया उत्तर देना। ए राइस मतलब होता है उठना। दोस्तों याद कर ले, चार चार नंबर क्या है, ओ राइस। ए राइस मतलब उठना। अराइव अराइव मतलब पहुंचना। क्या दोस्तों, अराइव मतलब पहुंचना। ए आस्क छठा नंबर है आस्क। आस्क मतलब पूछना। बी बी मतलब होना। बी बी मतलब होना। बीट बीट मतलब पीटना। बीट मतलब क्या होगा दोस्तों, पीटना। बीट मतलब
पीटना। बीकॉम, बीकॉम मतलब घटित होना या होना। बीकॉम मतलब होना, किसी चीज़ को प्रेजेंट होना या कोई घटना होना या बहुत सारा होता है, याद रख के दोस्तों। बिग बिग मतलब है भीख मांगना। रोड रोड पे देखते हो कि भीख मांगता है, किसी के घर पे भीख मांगने आता है तो क्या होता है, बिग बिग मतलब भीख मांगना। बी इन, बी इन मतलब होता है शुरू या आरंभ करना। दोस्तों हम सब गाड़ी चलाते हैं, साइकिल चलाते हैं या कुछ लिखना चाहते हैं तो क्या कहते हैं, शुरू। तो बी इन, बी इन मतलब होता है शुरू करना। बी इन मतलब होता है शुरू करना या आरंभ करना। बिंड, बिंड मतलब क्या होता है दोस्तों, बांधना। बिंड मतलब बांधना। एक बार दोस्तों फिर से हमारे साथ दोहराएंगे। एब्यूज, एब्यूज मतलब गाली देना। एडवाइस, एडवाइस मतलब सलाह देना। एंसर, एंसर मतलब उत्तर देना। एराइस, एराइस मतलब उठना। एराइव मतलब पहुंचना। छठा नंबर आस्क, आस्क मतलब पूछना। सातवां नंबर बी, बी मतलब होना। आठवां नंबर बीट, बीट मतलब पीटना। नौवां नंबर है बी कॉम मतलब होना। और बी बिग मतलब हो गया भीख मांगना। बिग मतलब भीख मांगना। बी इन मतलब शुरू करना या आरंभ करना। बिंड, बिंड मतलब बांधना। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और ऐसे ही वीडियो लेते आऊँगा। और कुछ गलत हो या कुछ मिस्टेक हो तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं, ताकि मैं अपनी गलतियों को सुधार सकूं और मैं आपके सामने और से और बेहतर प्रदर्शन कर सकूं। और दोस्तों यह वीडियो अपने दोस्तों और भाइयों और बहुत दोस्तों को फैलाए और थी शेयर करें, और चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें। ठीक है दोस्तों, शुक्रिया।